आज मैं ताने सबो अलग और सबो यूनिक खेती बताने जा रही हूँ। ये है पाइपिंग खेती, पाइपिंग बूंद बूंद खेती है। इस पाइप को बिछाने के बाद बिछाना फजा ही नहीं, पाइप में बूंद बूंद नहीं पानी पड़िया करे। यूँ है जो जे पाइप, यूँ जो जे पाइप नहीं यूँ गाल दे, यूँ जो यूँ गाल दे। इन खेती रे कितना रुपया लागे, मतलब ये सब लगाना रहा कितना रुपया लागे, एंड एक एडी ट्यूबवेल बताऊँगा कि भाई ट्यूबवेल में ऐसी है जो हवा फेंके ट्यूबवेल, तो मैं तुम्हें सब वीडियो में बताऊँगा, वीडियो में बने रही जाओ। राम राम सर। देखो इन्हें कोई लागे चीड़ी हिड़ी कोई काट दे रही चौंच मार पानी है पे, और वॉल चालू करे टिपक 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 के पानी पड़बो करे। अब हला थोड़ा और आगे हला थाना पूरे खेत में बताओ, इतनी आसान खेती है। मतलब अबे पाइप लगे पर आसान है, मतलब हर कोई कर सके। बाकी खेती करने किसान दो रहा है हाँ। इसको बीच में से खोलते हैं, देखो ये देखो कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। अभी यही पानी इतनी स्पीड से वहाँ तक पूरे पाइप तक जाता है, कॉर्नर तक हाँ, वो लास्ट कॉर्नर वहाँ तक पूरे पानी पड़ेगा इसमें। ये देखो इतना स्पीड से पानी, सब न जितने नल है सब में इतना स्पीड पानी आ रहा है। ये देखो खाटा पड़ जाएगा, देखो वापस पे कर रहे हैं। ये इधर अंडरग्राउंड पाइप डाला हुआ है पूरा। अच्छा टू है, देखो अब यहाँ तक कौन है, ये सारे यहाँ तक कौन है, इससे उधर वाला सारा ऑफ है क्योंकि यहाँ से वॉल ऑफ किया हुआ है। ये वॉल ऑफ किया तो यहाँ तक यहाँ से पानी बंद है सारा। ये देखो सारे बंद है, यूँ छोटा छोटा पूरा लाग जी, जमीन गीली ओड़ी रहे एंड चलती रहे। केर बढ़ते जा रहे पहले अटिल पानी पाई दे एंड पर अब उटिल चल रहा है, बिन पर थोड़ा और उटिल चल। दो दिन चार दिन आगे और चल जाते पीछे आ चार दिन फाँचो फाँचो इन नंबर कर दिया अठा कदी पाओ फाँचो अठा फाँचो आल डबा 15-20 दिन 15-20 तक दिन रहा। ये जो कपास का पौधा होता है रुई का, ये जो आप ऐसे भगवान जी के पास यूज करते हो या फिर ऐसे कपड़ों में यूज होता है, ये उसका पौधा है। ये उसकी खेती है पूरे खेत में। अब आप चला एक नैन के भैडो है खेत में काम करे, इन बात करा और बतावा कई हाल है, कई नाम है, रणजीत कई रणजीत रणजीत नाम है ना, रणजीत भूल भगत रणजीत नाम। हाँ अबार तू उठ खेता में कई करता बस है हैं, ये भी जा ये खेत में बार कई करता तू है, टेपा है कई लकर दो पड़े तो बस टेपा पड़े तो ठीक है कई है बजन फाड़ चिड़ बले तो फाड़ दी। अच्छा चिड़ी ने कोई कमेडिया उड़े जी को पाइप पाइप ने तीन कर दे चोंचो कदो को एक करियोड़े जियूं पदू कई करे ने ओरी बड़े को देखो ये किसका क्या काम है, ये और इसके बड़े भाई का, ये जितना भी हो ये देखो इसे क्या करते हैं चिड़ी इनके बड़े कौन कौन है, चिड़ी कमेडी चिड़ी चिड़ी इन कमेडी बड़े के रटे खाड़ा कर दे तीन आए रे इना कोई हल्ला मोटा कर देवे मोटा खाड़ा कर देवे तो पछ कई पानी ज्यादा उंड रुक जा जने कई करे नो काम है इनो ने एक बोदे को बोई भईडो कट गया बोरियो हां। एंड दोनार ओइज काम है के जितना तीन आ जावे मोटा मोटा खाड़ा आ जावे तो बहने रख रखाव करना ध्यान रखना बहन काम है। और कई करे है और कई काम है, स्कूल जावे लॉकडाउन मोदी पास करे था ने कई मोदी बोर्ड दही ठीक है। एनु बात करा के भाई मैं खर्चो की तो बैठा है, इमें खर्चो की तो पड़ जा किने पाइप बिछाई में हमें पाइप बिछाई में खर्चो पड़ जा ढाई एक लाख रुपया ढाई एक लाख कितना बीघा तक 18-19 बीघा 18-19 बीघा में 2.5 लाख रुपये में पाइप एकदम पूरा फेट है। अपना आप सेट कर जावा हैंग सेट कर जाओ चलो कर सब चलू कर जावा है एनो मेन मेन वॉल की है मोहन गाइज आपको चलते इसका मेन वॉल दिखाते हैं, उसको ऑन करने के बाद जहाँ पे जिसको भी छोटा छोटा मीन्स आगे वॉल है उसको ऑन करो और पानी खिला दो। 3 प्रेस की मोटर है ये और ये देखो ये मेन वॉल
ये देखो ये है मेन वॉल, मेन वॉल है इसका, ये इधर से आता है। और ये मीटर, ये किसका है? ये मीटर प्रेशर बताता है, प्रेशर बताता है। अब अच्छा जी तेज कर सके मतलब ये देखो इसमें एक और सुविधा है, अगर बीच में इसके साथ के भाई खेत में कुछ पानी के साथ दवाई भी छटकनी है तो वो है ढोल पर, ये ढोल अच्छा बंद हो जाओ तिलो और पानी हाथ आते और दवाई हाथ आते पूरा छिटक जाए खेत में, इधर ढोल भर के रखना पड़ता है। और टूटी कहनी है पानी वास्ते जो जी तो काट लो है इनमें, एक और फिल्टर है, पानी एकदम साफ दवा है, कचरा कोई आए ना। ये इसमें ये फिल्टर मशीन है क्योंकि फिल्टर इसको साफ करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये फिल्टर नहीं होगा तो खेत में कितने सारे पाइप है वो ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए इधर ही बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है कि फिल्टर दिया हुआ है इसमें, मीन्स इधर ही जो भी कचरा होगा पानी इधर हो जाएगा। इन्हें गारंटी लिया 5 साल लेने, 5 साल की गारंटी है। अच्छा हाँ वही नहीं बोल दो अपना निकल जा बारह करना पड़ेगा ना। हाँ ओके पानी आ अभी मैं दूर बैठ जाओ है कचरा निकल गया, कचरा चो रहा है तो इन पानी आते हैं बाहर आ जाओ। ये देखो ये एक अलग ही ट्यूबवेल है, इसमें से हवा आती है, ये देखो हवा की आवाज़ सुना था आप, ये देखो फोन है अभी अंदर डाला, ये देखो एम सूरज एम भी तो इनका नहीं घाटी ले जाता एक बाल उड़ी है हमारे लोग पड़ी एम रुक जाओ, ये देखो आपको ऐसे पता चल एम रुक वापस कर आपको ऐसे पता चल जाता है, ये देखो इसके बाल उड़ रहे हैं इसमें से कितनी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा है गर्म हवा है ठंडी टीप हवा ऐसी जो हवा है ये देखो, तो हवा की कराओ इनमें ने देखा हवा के पानी केड़ा हो गया ओ जाड़ा गणा जमी उड़े पे जाऊं तो मैंने देखा जाड़ा गणा जमी उड़े बाहर चला पाए घोड़ी है उड़े घोड़ी का नहाला ए महीने ले ले आटा तो भी दो इन्हें उंडी काल ये देखो ये देखो इधर नीचे गिर गया अभी इसमें देखना ये देखो मान गाल मान पर देख तो मान गाल ना पर देखो जी ये देखो इसके अंदर डाल रहा हुआ देखो ये ऑटोमेटिक उड़ता है, ये देखो अभी बाल नहीं उड़ रहे अभी देखना ये देखो इसका भी ये सिस्टम करेंगे इसमें से पाइप लगा के उस रूम में डाल देंगे एकदम कूलर जैसी हवा आएगी यहाँ से उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो अभी चलते हैं तो घोड़े के पास मैं आपको बता दूँ देखो अच्छे गाय है भैंस है बहुत सारे मीन्स जैसे अच्छा लगा मुझे भी ये यहाँ पे आए तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और लॉकडाउन में आना तो इधर बहुत ही अच्छा, आप हर कोई नहीं आए क्योंकि इधर नहीं घूमे घर पे रहे सेफ रहो, हमें वीडियो बनाना है इसलिए हम परमिशन लेके आते जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं करें कि यहाँ से हमारे कज़न वैसे मीन्स थोड़ा रिश्ता मैसर रहते हैं। अभी हम घोड़े के पास जाएंगे वो आएगा पास में तो इसका छोटा भाई उनको जानता है इसका, ये आ गया अभी कई नाम इन घोड़ी रो सोना बाबू सोना बाबू नाम है इसका सोना बाबू बड़ा पंकज शर्मा है ये एकदम सीधी है
घोड़ी एकदम सीधी, इतना वो फदुक फदुक नहीं करती। सोनो सोनो अंकल जी के एकदम क्लोज फ्रेंड है। सोनो शानी सोनो है, सोनो बेटा भाई सोनो। अच्छा अच्छा, तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि पाइपिंग कैसे बिछाते हैं। ये हम पाइपिंग बिछा रहे हैं और एक साइड में पूरी पाइपिंग बिछा रहे हैं, और ये देखो ये पाइपिंग के बिछाने के लास्ट मूव पे हमें ऐसे वापस फोल्ड करना पड़ता ताकि पानी बाहर व्यर्थ न जाए। गाइस चलिए चलते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मेरे व्लॉग देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आएंगे, और जितनी आपकी हेल्प होगी मीन्स उतनी हेल्प मैं ज़्यादा था, मेरे वीडियो में यही होता कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, चाहे किसी कैसी भी प्रकार की हो, हर किसी प्रकार की, मैं लोगों से, मेरे वीडियो का मतलब यही है लोगों की हेल्प करना। तो चले गए चलते हैं, लेट्स गो।